नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव प्रिपरेशन पे। एक बार फिर मैं हूं अंकित, आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का उस टॉपिक के विषय में बात करने वाले हैं जो जनरल स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, प्राइवेट एग्जाम हो, वो टॉपिक जरूर पूछा जाता है और हम लोगों को वो उस चीज की अवेयरनेस जरूर से जरूर होनी चाहिए। वो है गुप्त काल। दोस्तों, इसको भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। ऐसे ही नहीं कहते हैं, इसका पूरा इतिहास हम लोग जानेंगे कुछ ही देर की वीडियो में। हम क्रैश कोर्स की जैसे सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर कर दीजिए, इसमें हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। दोस्तों, गुप्तकाल, मौर्य काल का पतन हो चुका था। उसके बाद 200 से 300 साल लगते हैं, कई सारे सातवाहन और शको आते हैं, उसके बाद कई सारे छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए आते हैं, लेकिन वो राजनीतिक एकता कायम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली नहीं थे, वो छोटे छोटे एरिया में सीमित थे, भारत को बहुत बड़ा राजनीतिक योगदान नहीं दिया, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करते। लेकिन हर एग्जाम में कि गुप्त काल जरूर पूछा जाता है, तो हम आज गुप्त काल के बारे में जान लेते हैं। वो कौन कौन से सारे पॉइंट को इंक्लूड करेंगे जो एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो तो दिमाग में इसकी मैपिंग होनी चाहिए, तभी हम इसके जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गुप्त काल के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? 275 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। और कौन करता है इसकी शुरुआत? श्री गुप्त करते हैं। तो श्री गुप्त इसके संस्थापक हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनका पुत्र कौन होता है? घटोत्कच होता है, वो बाद में गद्दी पे बैठता है। लेकिन घटोत्कच इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि उसका राजनीतिक योगदान उतना कुछ है नहीं भारत के लिए, तो हम लोग इसको स्टडी नहीं करते। लेकिन घटोत्कच का जो पुत्र होता है वो कौन होता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। दैट इज आपका चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे कन्फ्यूजन फिर क्रिएट होती है। एक चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि मौर्य साम्राज्य में थे, उसके 200 से 300 साल बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त काल के हैं, ये जो है उनसे काफ़ी अलग हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी अलग है, तो इनमें कन्फ्यूजन ना डेवलप करिएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम इसका राज्य विस्तार करते हैं, कहाँ कहाँ पे? राजस्थान, आपके पूर्वी जो आपका भारत है, जैसे मेघालय तक उधर फैल जाता है और यहाँ पे बिहार का और भी एरिया आ जाता है, आप मैप में देख सकते हैं। इस मैप को दिखा गया पहले, क्या श्रीगुप्त जब शुरू करते हैं थोड़ा, तो उसके बाद देखिए और जब विस्तार आएगा, उनके पुत्र आएंगे तो समुद्रगुप्त आएगा, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे, तो ऐसे ऐसे पूरे भारत में और उधर पाकिस्तान आज का है जो वहाँ फैलता जाएगा। तो इनका चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ होता है? लच्छी की राजकुमारी कुमार देवी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का एक संतान होती है, दैट इज समुद्रगुप्त। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि समुद्रगुप्त ने के ऊपर काफ़ी काव्य लिखे हैं, क्योंकि इन्होंने एक तरह के सिक्के जारी किए थे। उस सिक्कों में क्या बना होता है? इनकी फोटो बनी हुई थी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो क्या पता चलता है, ये कवि भी थे एक और संकेतज्ञ भी थे। इनके जो सिक्कों से और जो भी ग्रंथ मिले हैं उसमें उससे ये पता चलता है। दोस्तों, अब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन कहलाता है? वो कहलाता है समुद्रगुप्त। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और इन्होंने इनके जो मंत्री थे, इनके राज्यकाल में कई सारे विद्वान लोग थे, कवि थे, तो इसमें एक विद्वान थे, इनके जो मंत्री भी थे वो कौन थे? हरिशेण। हरिशेण इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरिशेण की एक रचना है, दैट इज अ प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेण ने क्या जिक्र किया है? समुद्रगुप्त को बहुत महान राजा बताया गया है, जिस तरह से उन्हें चारों तरफ फतह प्राप्त की। देखिए भारत का मैप में देखिए कितना विस्तार बढ़ा दिया है, भारत के अपनी बाउंड्री कितनी बढ़ा दी है, और इसीलिए इनको बहुत महान, उसके विजय राजरोहण तथा उनकी जो विजय गाथाओं के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन किया गया, इसी से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इनके जो समुद्रगुप्त थे उसके बाद इनके दो पुत्र हुए, ओके, कौन कौन से? रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरे जो पुत्र हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, वे बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भारत के इतिहास को बदलने वाली हैं ये सब चीज़ें दोस्तों, और हर एग्जाम में ये पूछी जरूर जाती हैं। जो रामगुप्त थे वो बहुत ही कायर किस्म का था, धूर्त था, तो क्या होता है कि ये शकों ने इन पर आक्रमण करता है, तो क्या कहते हैं कि ये अपनी पत्नी का सौदा कर देते हैं कि हम आपको ध्रुव स्वामी दे देंगे तो हमको छोड़ दीजिए, तो इनका एक तरीके से छोड़ दिया जाता है, राज्य भी बच जाता है, ध्रुव स्वामी शकों के पास होती है। तब चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर आक्रमण करते हैं, शकों को हरा देते हैं और ध्रुव स्वामी से इनका विवाह हो जाता है, और इसी के बाद
ये अपनी मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के समकालीन इन्हीं के टाइम पीरियड में आपके कालिदास, वराहमिहिर और आर्यभट्ट जैसे लोग हैं, इन्हीं के समकालीन हैं ये। और चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही महान राजा होता है, और ये शकों को हराने के बाद भारत के मैप में देख जो गुजरात का एरिया है वो भी इनके हाथ में आ जाता है। और ये इंपॉर्टेंट, बाद में इनका दिवा कुबेर नागा नाम के मतलब समुदाय वंश से होता है, उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में चीनी जाति फाहियान आता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और 399 से 414 ईसा पूर्व दोस्तों ये एज जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, तो लेकिन ये मैं ऑथराइज्ड बुक चलाया हूँ तो ये काफ़ी हद तक ये सही है, आप ये नोट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है फाहियान आता है किसके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। दोस्तों हमने जाना गढ़ोत्कच का जो पुत्र होता है वो कौन होता है, चंद्रगुप्त प्रथम, उसी ने पहली बार जो है महाराजा धीराज की उपाधि अपने ऊपर लगाई थी, इस नाम से वो कहलाया था, ये आप याद रखिए कि इंपॉर्टेंट है, मैं उसे अलग से बता दूं। तो उसके बाद हमने जाना चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं आपके, इसका वो समुद्रगुप्त आते हैं, समुद्रगुप्त के बाद आपके इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, उनके शासनकाल में बहुत कुछ होता है, भारत का जो एक अंपायर है वो पूरा खड़ा करते हैं अपने दम पे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कुमार गुप्त आते हैं, इनको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज अ महेंद्र द्वितीय, महेंद्र द्वितीय के नाम से भी इनको जानते हैं कुमार गुप्त को, इनके पुत्र होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो ये भी राज विस्तार करते हैं उतना ही रखते हैं। उसके बाद इनके शासनकाल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसके पुत्र होते हैं हमने जाना, किसके पुत्र होते हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र हैं। दूसरा है नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी इसी कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में है, तो आप इसको कन्फ्यूजन ना क्रिएट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद पूछा गया है, पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी हर एग्जाम में रेलवे से लेकर आईएसपीसीएस आप कनेक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, तो इनके टाइम पीरियड में ये आते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। अब इनके जो अंतिम शासन है मतलब इसके बाद भी जैसे अंतिम शासन स्कंद गुप्त को मानते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में विष्णुगुप्त हो तो आप विष्णुगुप्त पे टिक लगाइएगा, क्योंकि स्कंद गुप्त के जो शासनकाल है वो 12 साल तक चला, उसके बाद एक साल दो साल तीन साल उसके बाद लगातार 100 साल तक तो चलता रहा, लेकिन उतना कोई ताकतवर शासन नहीं है तो इसमें हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन वास्तविक इसका जो अंतिम शासन है वो विष्णुगुप्त है, लेकिन मूल रूप से हम इसको किसको मानते हैं, स्कंदगुप्त को मानते हैं गुप्त काल का अंतिम शासन। और अगर हम सारी छोटे छोटे राजाओं को इंक्लूड करें तो विष्णुगुप्त हैं। तो कौन से टाइम पीरियड में, 455 से 465 ईसा पूर्व, इसमें टाइम पीरियड में अंत हो जाता है। इस इसी काल में दोस्तों कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे गुप्त काल में आते हैं, और वराहमिहिर। अब हम इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक पर्सनालिटी जो तीन पर्सनालिटी है वो महान पर्सनालिटी है, और इन्हीं के शासनकाल में आती हैं, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के, इन्हीं के समकालीन थे। तो कालिदास ने संस्कृत के लिए विद्वान माने जाते हैं जो आज भी प्रसिद्ध हैं, आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी, दशमलव की खोज की थी, और आर्यभट्टम एक ग्रंथ लिखा था और सूर्य सिद्धांत लिखा था जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने साइंस में कोई और टॉपिक है। उसके बाद हम आज जो इनको याद करते हैं वो है वराहमिहिर। वराहमिहिर गुप्त काल के खगोलीय शास्त्री कहलाते थे। तो खगोल शास्त्री कौन थे, इन्हीं के टाइम पीरियड में आए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो उन्होंने दो चीजें लिखी, बुकें लिखी, वृहद संहिता और पंच सिद्धांत सिद्धांतिका सॉरी पंच सिद्धांतिका और वृहद संहिता, दो तरह की बुक लिखी। ये सारे टॉपिक जो हमने आज पढ़े हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है गुप्त काल में, जो सीक्वेंस था आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आगे हम किसी और वीडियो में इसके आगे की टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश। अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया और शेयर भी कर दीजिए जिसमें दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तब तक के लिए नए वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।